नमस्ते, हेलो एंड गुड मॉर्निंग दोस्तों। यार हम हैं इस वक्त कच्छ में। हमने रात को यहाँ पे कैंपिंग करी थी। हमारी फिरंगी यहाँ पे है, हमारा कैंप ये रहा। आगे हम गए थे वहाँ पे सॉल्ट फ्लैट से आगे, हालांकि इतने बढ़िया वाले नहीं है, बढ़िया वाले हमें आगे के टूर पे मिलेंगे। इससे पहले हम आगे बढ़े, आपको एक चीज दिखाना चाह रहा हूँ। ये जो आप देख रहे हो ना, वाह, दिस इज कॉल्ड पैरा मोटर गाइस। मुझे बताया गया ये जो दोनों मशीन है ना, ये 25-25 लाख की है। 25 75 लाख राइट देयर। वाह, देखो ये आपका पैराशूट हो गया, ये आपकी मोटर है जो गोल गोल घूमती है। अरे आगे बंदा बैठता है, पीछे पायलट बैठ जाता है। ये जो आप नेट देख रहे हो ना, ये नेट होता है कहीं ना कहीं कि भाई कोई चीज भी आके सीधा रोटर में ना चली जाए। देखना आप, हाँ यहाँ से नेट से बच जाएगी, चिड़िया हो गई, कोई भी हो गई, कोई भी चीज डायरेक्टली इधर आके ब्लेड में ना लगे। अगर लगी तो फिर दिक्कत हो जाएगी, ब्लेड को डैमेज हो जाएगा। ये देखो गाइज, ये जो पाइप्स है ना, ये कूलेंट वाली पाइप्स हैं। आप देख सकते हो ये इंजन को शायद ठंडा करने के लिए हैं। ये दोनों जो होते हैं ना, रेडिएटर कहते हैं ना शायद गाड़ियों में। आगे ये पेट्रोल है, इन पाइप से होके पेट्रोल सीधा इंजन में जाता है, इंजन गोल गोल घूमता है और कूलेंट जो है वो अपना इसको ठंडा करके इंजन को ठंडा रखता है। यहाँ से आपका साइलेंसर से धुआं निकल जाता है, साइलेंसर बोलो या कुछ भी बोलो, यहाँ से धुआं निकल जाता है। और ये जो आप देख रहे हो ना, ये शॉकर है बेसिकली। आप देख सकते हो आई गेस हाइड्रोलिक्स वाले शॉकर हैं, ताकि जब ये लैंडिंग हो ना टायर से, तो जो जोर है वो सीधा पूरे फ्रेम पे ना पड़े और शॉकर उसको एब्जॉर्ब कर ले। अब मैंने ये डिसाइड कर लिया है कि यार डेली व्लॉग्स तो मैं डालता रहूँगा, जो कुछ भी मेरी लाइफ में हो रहा है वो सब आपको दिखाऊंगा। खाली ट्रैवल ही नहीं, इन जनरल सारी चीज़ें डेली व्लॉग्स में आपको कैप्चर करके दिखाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए जुड़े हो तो शॉर्ट्स तो आप देखते हो, डेली व्लॉग्स भी देख लिया करो, बहुत अच्छा लगेगा मुझे भी और उम्मीद करता हूँ आपको भी। इस वीडियो में एक लाइक टारगेट रखते हैं, 1000 लाइक्स, ठीक है ना, इसका हमारा टारगेट है। अगर आप टारगेट को पूरा करवाने में हेल्प करना चाहते हो तो लाइक बटन दबा दो। तो भाई लोग, कैंप फोल्ड हो चुका है, ये हमारी डंडियाँ हैं, ठीक है। इन डंडियों को रोल करना आपको दिखाता हूँ, कैंप को हम पैक कैसे करते हैं, ठीक है ना। डबल साइड हाफ हाफ हो गए। अब हमें ये जो देख रहे हो डंडियों की लेंथ में रखेंगे इसे, और हो गया हमारा पैक। इस जगह को ना बोलते हैं धोरदो टेंट सिटी, ठीक है ना। यहाँ पे अभी टेम्पररी एक टेंट सिटी बनी है जहाँ पे लाखों लोग जमा हो सकते हैं, हालांकि इस टाइम पे यहाँ पे बहुत कम लोग हैं, ठीक है ना। अभी मैं जा रहा हूँ पीछे, ये एडवेंचर जोन करके कुछ है। अब मेरे को फील हो रहा है यार, काश दोस्त वगैरह होते साथ में। चलो एडवेंचर जोन में चलते हैं अंदर। पूरा निकल जाएगा बाहर। चलो चलो चलो, बच्चे लोगों को झुला रहे भाई, इसमें हम नहीं झूल सकते। चढ़ जाओ चढ़ जाओ, क्या बात है भाई, इतना कूदा फांदी कर लिया बिल्कुल ना, सर्वर हिल गया मेरा पूरा, पेट वेट गड़बड़ हो गया। अभी खाना खाया था, खाना खाने के बाद वो गोल गोल घूम गया और क्या कहते हैं वो बंजी जंपिंग भी कर ली। दोस्तों अगली सुबह हो चुकी है, और सुबह नहीं एक्चुअली में दोपहर होने वाली है। रात को मैं यहाँ पे रुका था, ये एक होम स्टे है गोरी वाली करके एक जगह है यहाँ पे। अंदर का मैं आपको दिखाता हूँ बेसिकली रूम कैसा है। यहाँ के ये मड हाउसेस होते हैं, ठीक है ना, ये मिट्टी से बने घर होते हैं कच्छ में खासकर, और कहा जाता है कहीं ना ये अर्थक्वेक वगैरह भी झेल जाते हैं, बड़े बड़े अर्थक्वेक्स को ये झेल जाते हैं, ऐसा कुछ सीन है। और टेम्परेचर इनके अंदर बहुत अच्छे से मेंटेन रहता है। आपको अंदर का कुछ सीन दिखा दूँ ना, तो ऐसा कुछ रूम है डेकोरेशन के साथ, ये एक ट्रेडिशनल स्टाइल की खाट है, यहाँ पे वॉशरूम है। फिरंगी को यार मैंने यहाँ पे रेडी कर लिया है,
बात कुछ ऐसी है यार, इस मौसम के लिए ना मैं रेडी नहीं था। मुझे पता नहीं था कि इतनी गर्मी हो जाएगी, और गर्मी बहुत हो गई, और मैंने ना इस हिसाब से कपड़े रखे नहीं थे। तो मेरे पास एक ही हाफ शर्ट है जो मैंने आज पहनी है। लेट्स सी क्या होता है। मेरे को लग रहा है आज ज्यादा राइडिंग करना शायद पॉसिबल ना हो पाए क्योंकि गर्मी बहुत है। यहाँ पे बिल्कुल मिट्टी का फ्लोर बना हुआ है, देख सकते हो, मस्त एकदम ट्रेडिशनल स्टाइल में। इधर भी लोगों के घर हैं और बिल्कुल जैसे गांव में लोग रहते हैं, एक तरीके से गांव ही है ये। आप अगर चाहो ये गांव वाला ट्रेडिशनल फील लेना तो ऐसी जगह पे आके रह सकते हो। ब्रो नाम क्या है आपका? अर्जन। अर्जन, और ये जगह का नाम क्या है? गोरेवाली। गोरेवाली, तो गांव घुमाने ले जा रहे हैं। मैंने ना अपनी एक शॉर्ट में देहाती वर्ड इस्तेमाल कर दिया था बच्चों के लिए, तो लोगों को बुरा लग गया। मैं बस ये बोलना चाहता हूँ कि जो देहाती वर्ड है ना, इट मींस रूरल, मतलब गांव के इलाके का। तो इसमें कोई बुरा और अच्छी वाली बात नहीं है, देहाती सिर्फ एक वर्ड है। बुरा और अच्छा हम उससे जोड़ रहे हैं भाई, देहाती मतलब बुरा नहीं होता, जैसे शहरी मतलब अच्छा नहीं होता। ये जो आप पेड़ देख रहे हो ना, ये बाबर का पेड़ है, बाबर। और ये जो आप पत्तियाँ देख रहे हो ना, ये बाबर के पेड़ से गिरती हैं, तो पत्तियों का बन जाती है खाद, जो इसकी लकड़ी होती है आग जलाने के लिए और खाना बनाने के लिए उपयोग हो जाता है। कहाँ से आ रहे हो? हम स्कूल से आ रहे हैं अभी। क्या नाम है? देवा। देवा, अरे वाह। हाँ। पहले इतना सब नहीं था, ये देखो अभी छोटे छोटे हो रहे। हाँ। हाँ। बारिश हुई तो बढ़ गया। हाँ, बारिश हुई तो ये झाड़ी पूरी बढ़ गई। ये देखो भाई, यार क्या मस्त जंगल ले आया तुम लोग तो, वाह। ये भाई बेर है, ठीक है ना, और कच्ची में इसको क्या बोलते हैं? बेर। बेरन। बेरन। बेरन बोलते हैं, ठीक है। 50 से 100 स्कूल से लेके आए हो? हाँ, स्कूल से, ये बड़े बड़े। अरे बाप, ये एक टेस्ट करो आप, बहुत बढ़िया दिखेगा आपको ये खाने में। ये स्कूल से भाई तोड़ के लाया। एक ये लाल वाला भी अच्छा है। हरा वाला खा लिया उन्होंने, लाल वाला, लाल वाला ज्यादा मीठा है। भाई ने भाई के बेर ले लिए यहाँ से। बेर भाई इतने सारे बेर दिखा रहा था एकदम उठा लिया, जैसे दोस्त लोग लंच नहीं उठा लेते खुलते ही। मेरा भाई भाई है। भाई है। आ रहा है वो तो फिर चलता है। पहले चढ़े हो इस पेड़ पे? नहीं, कभी इस वाले पे नहीं चढ़े हैं। वाह भाई वाह, गांव में रहने का मजा यही है भाई। मैं आ जाऊं? हेलो, आ लिया अपना भाई। भाई ऊपर आ गया तुम्हारा भाई, शक्ल दिख रही है मेरी? नहीं हूँ। हेलो भाई, बचपन में ऐसे ना हम हमारे सोसाइटी में भी पेड़ों पर चढ़ते थे, मेरे दोस्तों को याद होगा। और अगर आप लोग भी चढ़ते थे कभी पेड़ पे, अगर चढ़े हो तो कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है ना? इधर 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 नहीं, इधर नहीं, गिर जाओगे गिर जाओगे गिर जाओगे यार। ओ भाई क्या स्टैंड, क्या बात है, कांग्रेचुलेशन आपको। थैंक यू थैंक यू, बढ़िया बढ़िया। पेड़ के ऊपर चढ़ के हम बोलेंगे ये एक पेड़ है जादुई पेड़, यहाँ से नोटे गिरती है 100-100 की। हाँ, तो आपको गिरा नहीं है। वाह वाह वाह, मारवाड़ी वाला दिमाग लगाया है पूरा, जेब से पैसा निकलवाने का। आपका वीडियो नहीं बनाएंगे हम, आप चुप जाओगे, फिर नोटे गिरेगी, हम बोलेंगे ये जादुई पेड़ है। अच्छा, 100-100 की नोटे गिरती है इधर। देख लो भाई, यूट्यूब के बंदों का पूरा दिमाग चलता है यूट्यूब पे, समझ रहे हो? कंटेंट अच्छी आदमी है तो दिमाग क्यों नहीं चलेगा? अच्छी आदमी और मारवाड़ी आदमी हो, बहुत दिमाग चलता है, बढ़िया ना? ये देखो घोड़े हमारे हैं, ये बिल्कुल हमारे हैं। अरे वाह, कच्ची मानुष, ये कच्ची मानुष होती। तुम दुबई वाली भाषा का है बोल रहे हो बे? कच्छ में आजो स्वागत है, लाइक करो, फॉलो करो, सब्सक्राइब करो। समझ गए भाई, रामी के गए और रामी के डाल देना, ये चलेगा ना? डाले गए ये लाखों के दो बार इस्तेमाल लो। समझ कुछ नहीं आया लेकिन अच्छा लगा। हाँ, अभी बंद तो करो आप। हाँ, सब्सक्राइब कर दिया आपको? ठीक है, देखा हुआ है मेरे को। हाँ, पहले पहले देखा है मुझे यूट्यूब पे, देखा हुआ आपके व्लॉग, बहुत आंखें बहुत प्यारी है तुम्हारी, देख लो। वाह वाह, आपको कितने दिन से मैं नोटिस कर रहा हूँ, यहाँ पर आएंगे आपके हिंदी टू पाकिस्तान का था ना सर? हाँ, इंडिया टू पाकिस्तान। अरे यार मिलके अच्छा लगा ब्रो। तो यार ये मेरा रण उत्सव में दूसरा दिन है, दोबारा से रण उत्सव आ गया हूँ। कल यहीं पे था, फिर बीच में एक जगह पे रूम में रुकने गया और फिर यहाँ पे आ गया वापस से। यहाँ पे कुछ खास हो नहीं रहा है, 10-15 दिन और चलेगा, लेकिन जो शुरू शुरू की जो चहल पहल होती है वो सारी यहाँ से जा चुकी है। कल हम भी यहाँ से चले जाएंगे। इस वीडियो का यार लाइक टारगेट है 1000 लाइक्स, अच्छा लगा हो तो यार लाइक जरूर करके जाना। डेली ब्लॉग्स डाल रहा हूँ, बहुत मेहनत लगती है यार, सुबह से शाम साइकिल चलाओ, उसके बाद एडिट करो, उसके बाद अपलोड करो। तो आप लोगों से यही गुजारिश है यार, प्लीज़ लाइक टारगेट पूरा करवा दो, और मैं आपसे मिलूंगा कल एक नई वीडियो के साथ।